हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग एरे पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, जो इजी लेवल की होंगी एससी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी करने वाले हैं। तो ये चार प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दी गिवन एरे। तो हम एरे में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से हमें सबसे स्मॉलेस्ट एरे फाइंड करना है सबसे पहली क्वेश्चन में। तो इसके लिए इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ये एक टेस्ट केस दिया गया है और ये इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 हैं और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 7 हैं। अब मुझे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो मुझे बताना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो मुझे इंडेक्स नहीं देना है, वो नंबर देना है स्मॉलेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा -10, और इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें क्या है, 6 है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम के लिए इनपुट आउटपुट थे। तो सबसे पहले अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं हम करेंगे क्या। तो बेसिकली हम एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और फिर देखते जाएंगे कि कौन सा छोड़ा है, उसको हम प्रिंट कर देंगे। अब एक तो मेथड हो सकती है कि सॉर्ट कर दो और सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम फर्स्ट वाले को प्रिंट करा देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो इफ़िशियंट नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको मान लीजिए हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वो वेरिएबल मान लीजिए ए तो एरे है, तो हम कुछ और मान लेते हैं जैसे एक्स। एक्स में हम फर्स्ट एलिमेंट रख लेंगे तो ए ऑफ 0 ये रख लेंगे, तो इसमें आ क्या जाएगा, 10 आ जाएगा एक्स में। अब हम लूप चलाएंगे कहाँ से, इसको 1 से लेके एन माइनस 1 तक। देखो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने एक्स में ले लिया है, तो हम 1 से लेके एन माइनस 1 तक लूप लगाएंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, इस लूप में देखो सबसे पहले वाले एलिमेंट को तो हमने उठा लिया है, अब हमारे पास आएगा सेकंड एलिमेंट, तो इसको कंपेयर करना है हमें जो फर्स्ट हमने स्टोर किया है एक्स में। तो यदि देखो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो देखो एक्स वाला यदि बड़ा है किससे, ए ऑफ आई 1 से, देखो 0 वाला तो ये था और तो हमने वो तो कंपेयर पहले ही रख लिया, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस आगे वाले से कंपेयर करेंगे सबसे पहले इससे। अब यदि ये एक्स बड़ा है तो हमें चाहिए छोटा, तो जो करंट एलिमेंट है यदि वो छोटा है तो वो कहाँ डाल दो, एक्स में डाल दो। तो ए ऑफ आई को क्या कर दो, एक्स में डाल दो। ऐसा करेंगे, अब जैसे ये तो किसके लिए था, 1 वाले के लिए था। अब जैसे एक्स में क्या था, एक्स में मेरा था 10 और अभी के लिए क्या है मेरा एलिमेंट 8, तो 8 इज स्मॉलर देन 10, यस। तो मैं एक्स में पुट कर दूंगा जो नई वैल्यू है 8, तो इस तरह से मेरे पास और स्मॉलेस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं अगला एलिमेंट कंपेयर करूंगा, अगला एलिमेंट क्या है 2, तो फिर से चेक कर लेते हैं ये कंडीशन। तो मेरे पास क्या है 8 इज ग्रेटर देन 2, यस। तो एक्स में क्या कर दो, 8 को डाल दो, तो जहाँ पर 8 था अब वहाँ आ जाएगा 2। अब ऐसे ही अगला एलिमेंट कंपेयर करेंगे 3, ये क्या है ए ऑफ 3, तो एक्स ए ऑफ 3, तो बेसिकली 2 इज ग्रेटर देन 3, नो। तो अब कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, बिगेस्ट एलिमेंट नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास अभी ये था एलिमेंट, अभी आ जाएगा यहाँ पर -10। तो यहाँ पर x में क्या स्टोर है, x में स्टोर है 2, जो अभी तक के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो। अब जो नया एलिमेंट है वो उठा लेते हैं, 3 के बाद आएगा -10, 2 इज ग्रेटर देन -10, यस। तो x में क्या कर दो, इसको डाल दो, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे यही करना है, तो ये मेरी अप्रोच होगी। तो इस लूप में क्या होगा, इफ यदि x ग्रेटर देन a ऑफ i, और यहाँ पर इसको क्या कर दो, x में a ऑफ i को इंसर्ट कर दो। तो ये बेसिकली मेरे प्रॉब्लम के लिए सूडो कोड होगा, सिर्फ इतना ही। अब मैं बस इसको सिर्फ हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर %d और यहाँ पर x, तो ये मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। अब इसके लिए चलिए कोड करते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। अब मेन फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज मैं रख लेता हूँ 5। अब जो एरे है वो, और इसमें जो एलिमेंट्स थे वो भी रख लेता हूँ मैं 10, 8, 2, 3,
एंड माइनस 10। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट मैंने रख लिए हैं, इनको आप इनपुट भी ले सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है अलग से, वो कुछ भी हो सकता है, और उसमें फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है। अब लूप लगाना है कहाँ से, 1 से लेके n माइनस 1 तक, तो i लेस देन n, और यहाँ पर कंडीशन देना है if x इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i। यदि ऐसा है तो मुझे x में arr ऑफ i इंसर्ट कर देना है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ होगा, इस x में। अब यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है इस x को, तो x। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको रन करने पर ये आंसर आ रहा है माइनस 10। अब हम एरे के एलिमेंट्स को चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ पर से सेवन एलिमेंट्स मुझे लेना है, तो 7 एलिमेंट्स, और ये जो मैंने एग्जांपल में लिए थे वो मैं उठा लेता हूँ। सो ये बेसिकली मैंने वो एग्जांपल लिया था, उसी को मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम इसमें क्या हुआ, 6, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 6। तो यहाँ पर ये 6 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट का प्रोग्राम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, द बिगेस्ट एलिमेंट इन द गिवन एरे। तो हमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो निकालना है, जो एरे दिया गया है वो उसमें से। तो यहाँ पर जो टेस्ट केस पहले से हमने ले रखे थे, हम उन्हीं पर देख लेते हैं आंसर क्या होगा। अब देखो, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एरे दिया है, और ये दूसरा टेस्ट केस है, ये फर्स्ट वाला है। अब मुझे इसमें से बिगेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो बिगेस्ट एलिमेंट होगा क्या, 10 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 10, और इसमें बिगेस्ट एलिमेंट क्या है, 30 है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 30। तो मुझे इस तरह से अपना कोड लिखना है कि मेरे पास आंसर 30 आए इस क्वेश्चन के हिसाब से, और इसके हिसाब से आए 10। तो सबसे पहले अप्रोच डिस्कस करते हैं क्या होगी। अप्रोच सेम होगी मेरे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, सबसे पहले मैं एरे के एलिमेंट्स को, फर्स्ट वाले को स्टोर कर लूँगा किसी वेरिएबल एक्स में। अब मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो वो हर एक एलिमेंट क्या होगा, आइथ एलिमेंट होगा। आइथ एलिमेंट मतलब सबसे पहले ये एलिमेंट्स होगा, फिर ये और ये, ऐसे एलिमेंट्स चलता जाएगा, मतलब कि चेंज होता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करके स्टोर कर लेना है। देखो, इफ़ यदि जो एक्स है, जो स्टोर्ड वेरिएबल है, वो यदि छोटा है किससे, arr ऑफ आइथ एलिमेंट, a ऑफ आइथ एलिमेंट मतलब n एलिमेंट्स से, तो क्या करो, अब ये तो छोटा है और ये आने वाले एलिमेंट्स के यहाँ बड़े हैं, तो मुझे तो बड़ा एलिमेंट्स ही चाहिए। तो मैं x में क्या इंसर्ट कर लूँगा, जब भी मुझे बड़ा एलिमेंट्स मिलेगा मैं उसको x में इंसर्ट कर लूँगा। तो ये बेसिकली मेरा कोड होगा, या फिर अप्रोच होगी, मुझे इस को क्या करना है, चेंज करना है बस। तो मेरा ये कोड बेसिकली वही वाला हो जाएगा, सिर्फ एक सिंबल चेंज करने से मेरा आंसर भी चेंज हो जाएगा। अब इसको एक बार ड्रॉ एंड रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स में क्या होगा, 10 होगा, तो एक्स में आ जाएगा 10, और मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले वाला क्या होगा, 8। तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, 10 लेस देन 8, ऐसा तो नहीं है। तो चलो आगे वाला एलिमेंट देखते हैं, 2, तो 10 लेस देन 2, ऐसा, तो 10 कम तो नहीं है 2 से, ऐसे ये भी नहीं, तो फिर से आगे बढ़ो। अब आ जाओ 3 पर, ये वाला एलिमेंट। तो देखो, मैंने लिखा 10 लेस देन 3 है क्या, नहीं है, तो फिर से अब 10 पर आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, 10 लेस देन माइनस 10 है क्या, नहीं है, तो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पर ही था, तो ये पहले से मैंने स्टोर कर रखा था, तो यही आंसर होगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चन पर यही करके देखता हूँ, तो एक्स में मैंने स्टोर कर लिया 20। अब मुझे इस एक्स से कंपेयर करना है इन आने वाले एलिमेंट्स को, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बेसिकली मैंने इंडेक्सिंग कर दी। अब देखो,
मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी। अब मुझे हर बार एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, तो 20 के साथ फर्स्ट वाला कंपेयर करूँगा तो क्या आएगा, 20 लेस देन 30, यस। तो मुझे एक्स की वैल्यू अपडेट कर देना है। तो अभी इसमें क्या था, 20 था, अब हो जाएगा 30। अब 30 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करेंगे, 30 इज़ लेस देन 21, नो। तो एक्स मेरा वही रहेगा। अब फिर से आगे वाला एलिमेंट कंपेयर करूँगा तो 30 लेस देन 8, तो ये भी नहीं है। अगले वाला फिर 30 लेस देन 10, ये है क्या, नहीं है। तो और आगे हम चेक करते जाएंगे, अब आएगा 7, ये भी नहीं है, 6, ये भी नहीं है। तो ये सारे फॉल्स हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ मेरी कंडीशन ट्रू थी। तो एक्स में क्या आ जाएगा, 30, जो मुझे रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था, यही है ना बेस्ट एलिमेंट। तो चलिए इसके लिए हम लोग कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए मुझे बेसिकली करना कुछ नहीं है, ये जो सिंबल है उसको चेंज कर देना है। अभी देखिए, हम लोग जो हमें स्मॉल एलिमेंट मिल रहा था उसको एक्स में स्टोर कर रहे थे, तो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाता है हर बार। अब यदि देखो, एक्स जो करंट वेरिएबल है वो क्या हुआ, छोटा हुआ आने वाले एलिमेंट्स से। मतलब आने वाले एलिमेंट्स क्या है, बड़ा है जो अभी मेरे पास करंट है, तो मुझे उसको स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो यदि मेरा एक्स यदि कम हुआ आने वाले एलिमेंट्स ए ऑफ आई से, तो एक्स में क्या कर दो, ए आर आर ऑफ आई इंसर्ट कर दो और एक्स को प्रिंट कर दो। तो अब आंसर क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 30 आना चाहिए। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो ये 30 आ रहा है। तो ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे क्या चाहिए है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो एरे एलिमेंट्स का मुझे सम निकालना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास ये टेस्ट केस दिए गए होंगे। मैंने टाइम बचाने के लिए सेम टेस्ट केस लिए हैं, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, इन एलिमेंट्स का सम निकालना है। सम निकालने के लिए देखो, इसको इसके साथ ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 20, 23 और माइनस, इसका आंसर क्या होगा, 30। सम ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहा है इसका, 30। तो इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आ रहा है, 13। अब इस नीचे वाले टेस्ट केस को देखिए, तो इसमें बेसिकली है क्या, एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना था। तो मेरा सम क्या होगा, 50, 71, 79, 89, 96। तो बेसिकली ये मेरा आंसर क्या होगा, 102 आएगा। तो इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग सम ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 102 होगा। और इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग इस एलिमेंट्स का सम क्या होगा, 13 होगा। तो अब देखिए इसके लिए हम अप्रोच समझते हैं क्या होगी। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, देखो एक वेरिएबल मैं बना लूँगा एस, एस में रख दूँगा 0 इनिशियली, क्योंकि यदि कोई भी एलिमेंट्स मान लो एन का मान 0 दिया तो सम क्या होना चाहिए, 0। कोई एलिमेंट्स नहीं है तो क्या सम होगा, 0। अब मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो मैं ऐसे ट्रैवर्स करूँगा इस एरे को, आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कैसे भी कर सकते हैं। और जो एलिमेंट्स है इसमें क्या करना है, जो पहला एस था पहले, उस एस को प्लस करो, उसी को एस में एस को प्लस करो, और जो आने वाला एलिमेंट्स है उसको प्लस कर दो। ये बेसिकली 0 to n-1 चलेगा लूप। तो मेरे पास इस प्रकार से ये सम आ जाएगा। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखो एस में सबसे पहले क्या था, 0। तो बेसिकली जब आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, एस एस इक्वल 0, मतलब एस एस इक्वल एस प्लस आई करना है। तो एस में पहले क्या था, 0, तो 0 रख लिया। अब ए ऑफ आई, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 0, तो ए 0, तो 0 + 10 क्या हो जाएगा इसमें स्टोर, 10। अब देखो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1, और जो एस में था वो हो जाएगा 10। अब देखो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब देखो एस में क्या था, 10, और आई की वैल्यू अब की बार थी 1। अब मुझे 1 के लिए रन करना है। तो एस इक्वल 10 प्लस आने वाला एलिमेंट्स ए ऑफ आई, ए ऑफ आई। तो यहाँ पर 10 प्लस ए ऑफ आई क्या था, अभी के लिए आई की वैल्यू क्या है, 1।
तो ए ऑफ आई क्या हो जाएगा, 8, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 18। अब मुझे फिर से यही करना है, आगे वाला एलिमेंट्स आएगा 2, ऐड ओके हो जाएगा 20, फिर से आएगा तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 23। अब आएगा -10, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका बेसिकली आंसर आएगा क्या, 10। तो ये इसकी अप्रोच होगी, आप इसके लिए खुद ड्राइंग रन करके देख लेना, यही जो यहाँ पर आंसर लिखा है ये आएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग अब कोड करते हैं। तो बेसिकली कोड करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनपुट हमने पहले से यहाँ पर रखा है वेरिएबल्स में। अब मुझे सिर्फ एक एस डिक्लेयर करना है या फिर एक्स ही रहने देंगे तो भी चल जाएगा, और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर ये कंडीशन रिमूव करके एस एस इक्वल ए आर आर ऑफ आई, और यहाँ पर जो 0 से हमें लूप रन करना है, और यहाँ पर एस को प्रिंट करना है। अब मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, 100102। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, तो बेसिकली आंसर सही आ रहा है। तो ये था सम ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं एक एरे में। तो नेक्स्ट क्या है, सर्च एलिमेंट्स इन एन एरे। तो हमें एरे में क्या करना है, एक एलिमेंट दिया गया होगा हमें उसको सर्च करना है, यदि वो होगा तो फिर हमें बता देना कि एलिमेंट फाउंड, और नहीं मिलेगा तो हम कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ इनपुट आउटपुट गिवन होंगे, और उसके साथ अब एलिमेंट्स को फाइंड करना है, तो हमारे पास एलिमेंट्स भी दिया गया होगा जो की में हम रख सकते हैं, पर उसको और कुछ वेरिएबल में भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो की ही दी हो। तो मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में की मुझे दी गई होगी उसको मुझे सर्च करना है। तो मान लो मुझे सर्च करना है 2 को। अब मुझे बताना कि ये यदि प्रेजेंट है तो फिर किस इंडेक्स पर है, और फिर नहीं है बताना है, नहीं है तो फिर उसके लिए करना है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, मेरा 2 किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स पर। तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 2, और यहाँ पर एन इक्वल 7 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सेकंड टेस्ट केस। तो इसमें मुझे मान लो फाइंड करना है 7 को, कि 7 कहाँ है। तो 7 बेसिकली यहाँ से यहाँ चलेंगे तो हमें पता चलेगा इसका आंसर क्या है, 5 है, क्योंकि जो 7 है वो किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है, 5th इंडेक्स पर। तो इसके लिए ये मेरे क्या होगी, इनपुट आउटपुट होंगे। अब अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लूप तो लगाऊंगा ही 0 से लेके n-1 तक। अब मुझे एलिमेंट्स को फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं कंपेयर ही करूंगा, जैसा मैंने हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स निकालने के लिए किया था, बस कंपेरिजन चेंज कर दूंगा। तो मैं करूँगा क्या, देखो सबसे पहले एरे को ट्रैवर्स करूँगा 0 to n-1, और यहाँ जो ए ऑफ आई थे एलिमेंट है इसको मैं कंपेयर करूँगा अपनी की के साथ। यदि मुझे की मिल जाती है तो मैं क्या कर दूँगा, इस आई को मैं स्टोर कर लूँगा। कहाँ स्टोर कर लूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा इंटीजर टाइप का, और इसमें -1 पहले से रख लूँगा। जैसे ही मुझे आंसर मिलेगा, आंसर जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं किस में, आंसर वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा इस आई का इंडेक्स। अब बस इसको ड्रॉ एंड रन करके देख लेते हैं इस पर। तो मैं बेसिकली नीचे वाला इनपुट उठा लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमारे वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं। वेरिएबल क्या थे, आंसर था -1 पहले से स्टोर। अब देखो फर्स्ट वाले से कंपेयर करना है मुझे, किसके साथ करना है, और की के साथ। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई, 0। तो यहाँ पर ए ऑफ 0 कंपेयर विथ की को मैं देखो, हमने यहाँ पर 7 लिया था तो वो की होगी 7, तो ए ऑफ 0 तो 20 फर्स्ट एलिमेंट, और की क्या है 7, तो ये क्या इक्वल है, नहीं है। अगला एलिमेंट चेक करना है मुझे, तो यहाँ पर आई की वैल्यू बेसिकली 1 होगी, तो ए ऑफ 1 इक्वल है क्या के, चेक करते हैं ए ऑफ 1 पर क्या स्टोर है मेरा, 30 इक्वल है की के, नहीं है। तो
तो आंसर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अब आई की वैल्यू 2 के लिए चेक करते हैं, तो ए ऑफ 2 क्या इक्वल है के? ए ऑफ 2 यानी 21 की मेरी है 7, तो ये भी नहीं है इक्वल। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, ए ऑफ 3 और यहाँ पर की, तो ए ऑफ 3 क्या है मेरे पास, देखो ए ऑफ 3 है क्या 8, तो 8 इज इक्वल 7, नो। तो फिर से मेरी आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो आई इज इक्वल टू 4, तो ए ऑफ 4 डबल इक्वल की, ए ऑफ 4 पर अभी क्या है स्टोर है 7, तो 7 डबल इक्वल की, यस ये है। तो मैं आंसर अपडेट कर दूंगा, पहले था -1 लेकिन अब क्या होगा, आई स्टोर किया था तो बेसिकली 4 होगा, तो इसके लिए अभी के लिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ए ऑफ 4 पर मैंने 10 रखा था, ए ऑफ 4 पर 10 रखा था, तो 10 7 के इक्वल नहीं होगा, तो ये आंसर अभी हम अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो 10 है वो नॉट इक्वल टू 7 है। अब आगे वाले एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, तो i इक्वल टू 5 होगा, तो a ऑफ 5 और इसको चेक करेंगे की के साथ, ये है क्या, तो 7 बेसिकली इक्वल टू 7, तो मेरा आंसर अब अपडेट होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए 5 बेसिकली, यही तो है। तो चलो इसको कोड करते हैं और ड्राइंग रन करके आप इस फर्स्ट वाले पर देख लेना, तो ये मेरे पास वही एग्जांपल मैंने उठा लिया है। अब करना क्या है इसके लिए, अब देखो एक की रखनी है, तो मैं की रख लेता हूँ, सबसे पहले 7 को मैं फाइंड करता हूँ कि 7 कहाँ पर है, और यहाँ पर आंसर मैं रख लेता हूँ, आंसर -1। अब देखो जैसे ही मुझे एफ ए आर आर आई डबल इक्वल टू की, तो मैं आंसर में स्टोर कर दूंगा आंसर इक्वल की, तो मेरे पास आंसर इस आंसर वेरिएबल में आ जाएगा, और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को चेक कर लूँगा एफ। देखो यदि आंसर क्या हुआ, जैसा पहले था, पहले क्या था -1, मतलब एलिमेंट उसमें नहीं था, एलिमेंट उस एरे में नहीं है, तो मैं बेसिकली प्रिंट क्या करूँगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। अब मुझे क्या करना, इसका एल्स केस लिखना, अब एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होगा तो इंडेक्स भी होगा आंसर में, तो मैं वो प्रिंट कर देता हूँ, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और यहाँ पर परसेंट डी बेसिकली इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए, और मैं इंडेक्स दे दूंगा जो आंसर में स्टोर होगा। अब मैं इसको यदि रन करूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 5 आना चाहिए, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली जो की स्टोर की थी, तो की स्टोर नहीं करनी है, यहाँ पर आई स्टोर करना है, तो मैं इसको रन करूँ, तो आंसर क्या आएगा 5। अब मैं यदि ऐसी की देता हूँ जो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास, एलिमेंट नॉट फाउंड, जैसे 12 इसमें नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। सो दिस इज इट फॉर दिस लेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।